दोस्तों आज की इस वीडियो को हम बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच होने वाले आज के पहले वर्ल्ड कप मैच के बारे में। आज की इस वीडियो को मैं आपको एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, आपके लिए कौन से रिस्की प्लेयर होंगे जो कि आपको इस मैच में ईजिली विनिंग कराने में मदद करने वाले, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको फैंटेसी में किस तरीके से प्रॉफिट में रहना है इस बारे में भी बात करेंगे। कौन सी टीमें मैच जीत सकती है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, सारी चीज़ों को बात करेंगे। बस अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो जाना, फ्री की चीज़ है, फ्री की चीज़ को मिस मत करना। यहीं पे मैं अपनी खुद की फाइनल टीम आपको इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन होना बिल्कुल ही मत भूलना। टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो उसके टाइटल के ऊपर टच करोगे, सीधे डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे, सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर लिंक देखने मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर टच करके आप टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन हो सकते हो, ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर लिंक देखने को मिल जाएगा। नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पे ज्वाइन हो जाओगे तो इस मैच की भी और आगे आने वाली मैचेस की भी जो भी मैं कवर करूंगा उसकी आपको हमारी खुद की फाइनल टीम मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, इंग्लैंड की टीम के जीतने के 95% करीब चांसेस है। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है आयरलैंड के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा सवाल है नहीं। बात करें इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के मैदान के ऊपर होने वाला है, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। आपने देखा था पूरे मैच में फास्ट बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी कि पेसर्स को आपकी टीम में ज्यादा लेकर के चलने की कोशिश करना है। बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस पे, उससे पहले देखो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो आपको देखने को मिला हुआ है 163 रन का आखिरी के 5 मैचेस में, यानी कि रन तो यहाँ पे बनते हैं। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि इंग्लैंड की टीम ही मैच जीतेगी, तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करिए तो मुझे लगता है 180 के करीब का स्कोर बना सकती है। वहीं अगर आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करिए तो मुझे लगता है 140 के करीब का स्कोर बनाने वाली है। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को आपको ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना चाहिए। बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन है आपके लिए जोस बटलर, जो कि इस समय इंग्लैंड की टीम की ओर से कप्तानी कर रहा है, आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। मैं आपको कहूँगा अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करी है तो आप बिना कुछ सोचे वन के वह फॉर्मूला स्मॉलिक ग्रेलिक सभी जगह जोस बदलाव को लेकर के चल सकते हो। इसके अलावा आखिरी मैच आपने देखा सैम करन ने 5 विकेट लिए हुए हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रह सकता है। बेन स्टोक्स ने आखिरी मैच हमें विनिंग कराने में काफ़ी अच्छी मदद किया हुआ है। वहीं का मैं बॉलिंग ऑप्शन में बात करूँ मार्क वुड, ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच के लिए आपके लिए स्मॉलिक ग्रेलिक सभी जगह के लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए नंबर वन चॉइस रहेंगे। अगर आप फैंटेसी में पैसे लगा रहे हो, अगर आप फैंटेसी में पैसे कमाना चाह रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा ये दोनों से कोई एक ऐसा प्लेयर जरूर होगा जो कि आपको 70+ पॉइंट्स दिला करके जाने वाला है। और आपके फैंटेसी की जीएल की टीम है यानी कि ग्रैली खेल रहे हो, अगर आप लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो, तो ये दोनों से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि आपके लिए केवीसी के लिए नंबर वन प्लेयर में से एक रहने वाला है। इसके बाद देखो रिस्की प्लेयर की बात करो आदिल राशिद, जो कि स्पिनर बॉलर है, यहाँ पे स्पिनर को कोई ज़्यादा खास मदद मिल नहीं रहा है और आदिल राशिद ने इस सीजन के वर्ल्ड कप में भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको लेकर के नहीं चलूँगा। क्रिस वोक्स जो कि एक फास्ट बॉलर है, यहाँ पे पेसर्स को मदद मिल रहा है, शुरू के ओवर्स में स्विंग भी मिल रहा है, और यहाँ पे जो है अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो आखिरी के ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ जाएगा। मार्क वुड 2 ओवर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, 2 ओवर आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा। वहीं सामने यहाँ से बात करें सैम करन, जो कि मैक्सिमम टाइम बॉलिंग से आखिरी ओवर्स में बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है, इसको फ्री के भी विकेट मिल जा रहे हैं, बॉलिंग की भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। आज से नहीं, आखिरी के जो इसने 9 मैचेस खेले हुए हैं ना, 9 में से 6 ऐसे मैचेस गए जहाँ पे इसको बॉलिंग से 2 या फिर 2 से ज़्यादा विकेट मिले हुए हैं, यानी कि 9 में से 6 मैचेस में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का परफॉर्मेंस करके आए हुआ है बॉलिंग से। रीज़न यही है कि आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग मिल रहा है, जैसे कि 19वां ओवर 17वां ओवर, तो वहाँ पर विकेट मिलना काफ़ी आसान रह रहा है। एक मैच तो ऐसा भी गया जहाँ पे इसको 20वां ओवर बॉलिंग मिला, वहाँ पे इसको 2 विकेट मिल गए, यानी कि मैक्सिमम टाइम आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग कर आपके लिए जरूरी बॉलर रहेगा। बेन स्टोक्स बल्लेबाज में भी 4 पे आ जाएगा, प्लस आखिरी के मैचेस में 2-2, 3-3 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, मैक्सिमम टाइम 3 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है। बल्लेबाजी ऑप्शन है एलेक्स सेल्स, जो कि आपने देखा जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय के इंजर्ड हो जाने के जैसे वर्ल्ड कप की सीधे फाइनल टीम में आ गया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एलेक्स सेल्स इस समय का सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक है, जो कि पूरी तरीके से ईगो में खेलेगा और सामने की टीम एकदम कमजोर टीम है, तो मुझे लगता है इस मैच है एलेक्स सेल्स और यहाँ से जोस बटलर, ये दोनों से कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 50+ की इनिंग खेलते हुए नजर आने वाला है। बॉलिंग ऑप्शन में मैं आपको कहूँगा एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा मार्क वुड और सैम करन ही आपके लिए ज़्यादा अच्छे बॉलर रहेंगे, क्योंकि यही दोनों वो बॉलर जो कि आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, और मार्क वुड जो है शुरू के ओवर्स में भी बॉलिंग करेगा। सैम करन ने भी कई बार ऐसा हुआ जब शुरू के 2nd ओवर 4th ओवर ऐसे बॉलिंग कर रखा है, यानी कि ये 4 प्लेयर्स इंग्लैंड के इस समय ऐसे हैं जो कि आपको इस
मैच 100 प्लस पॉइंट्स दिलाकर के जा सकते हैं। ये चार में से कोई दो ऐसे प्लेयर जरूर होंगे जो कि आपको 70 प्लस पॉइंट्स दिलाकर के जाने वाले हैं, और आप अपनी स्मॉल लीग रैंक सभी जगह इन्हीं चार में से किसी दो को अपनी टीम में केवीसी लेने की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। आगे के प्लेयर्स की बात करेंगे उसके अलावा देखो डेविड मलाना आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेगा, लेकिन सामने की टीम कमजोर टीम है तो आप कोशिश करना कि इंग्लैंड के जो शुरू के प्लेयर्स को लेना, एलेक्स सेल्स और ये दोनों ओपनिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि चार प्लेयर से ज्यादा आएंगे। नंबर फोर पे बेनी स्टोक्स आ जाएगा तो नंबर थ्री पे आएगा डेविड मलान। तो मुझे लगता है कि मैंने बल्लेबाजी भी पूरी तरीके से कवर कर लिया, चारों और सबसे ऊपर जो बल्लेबाजी में आएंगे उन चारों को ले लिया। बॉलिंग में भी हमने अपने चार बॉलर्स को ले लिया जो कि आपको चार चार ओवर बॉलिंग लगभग पूरा करके देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ से एक बॉलर आपको देखो मिलेगा आदिल राशिद को, मैंने इसके लिए नहीं लिया। पहला रीजन पूरा फ्लॉप भी जा रहा, वार्म अप मैच में भी फ्लॉप गया, उसका वर्ल्ड कप का भी जो पहला मैच है वो वहाँ भी फ्लॉप गया। उसके अलावा आपने देखा इससे पहले भी रिसेंटली फॉर्म कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अलावा स्पिनर बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स को कोई ज़्यादा मदद मिल भी नहीं रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी आपने देखा अक्षर पटेल को भी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, रविचंद्र अश्विन भी परफॉर्मेंस करके दे नहीं पाया, मोहम्मद नवाज के भी एक ओवर में इंडिया ने 22 रन इंडिया के प्लेयर्स ने मारा। उसके अलावा शादाब खान भी विकेट लेस गया हुआ, यानी कि कोई भी प्लेयर फॉर्म में बिल्कुल भी नजर नहीं आया स्पिनर का यहाँ पे। तो आदिल राशिद को भी मैं लेकर के बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसके बाद बात करेंगे अपने आयरलैंड की टीम के बारे में किसको मैं लूंगा। उससे पहले देखो विद्युत टीम एक इनिशियल टीम है जो कि टॉस होने से पहले की टीम है। मान लो कोई नया प्लेयर खेल रहा होगा या फिर कोई भी चेंजेस होगा उसका, जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल फ्री में देखने मिलेगी। हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइनर आपको एकदम फ्री है, फ्री की चीज़ को मिस मत करना। टेलीग्राम सर्कल का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अक्सर सबसे वहाँ पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्कल ज्वाइनर आपके लिए फ्री भी है, आसान भी है, जरूरी भी है, तो ज्वाइन होना बिल्कुल ही मत भूलना। बात करें आयरलैंड के प्लेयर्स के बारे में देखो एल तकर जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा फॉर्म है, लेकिन दो रीज़न है कि मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ। सामने इंग्लैंड जैसी टीम है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लॉप हो सकता है, तो मैं ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा जो कि बल्लेबाज भी करके देंगे और बॉलिंग भी करने के चांसेस है। सी कैंपर जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है, पहले मैच से अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वहाँ पे फ्लॉप हुआ आखिरी के मैचेस में, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो कि कभी भी 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा कर सकता है। आखिरी मैच से 2 ओवर बॉलिंग किया, लेकिन उससे पहले वाले मैच इसको 4 ओवर बॉलिंग पूरा मिला हुआ है और रन्स भी बना करके दे सकता है, ऐसा ऑलराउंडर लेकर के चल रहा हूँ। जी यहाँ से देलानी जब भी इसको बॉलिंग मिलना शुरू हो जाती है वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस हाई लेवल का हो जाता है। 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट मिले, यहाँ पे भी 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट मिला हुआ है, तो इस समय फॉर्म में नजर आया हुआ दोनों ही मैचेस में, रन्स बना करके भी आपको दे सकता है, रन्स बना करके भी दे सकता है, इसको भी मैं लेकर के चलने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो, अगर आप लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो, तो ये दोनों से कोई एक प्लेयर ऐसा हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए। बाकी मैं सी कैंपर को जरूर लूंगा, हो सके तो मैं जी यहाँ से देलानी को अपनी टीम से मिस करके, यहाँ से मैं आपको कहूँगा पॉल स्टीलिंग और यहाँ से स्ट्राइकर, ये दोनों में से आपको किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना है। पॉल स्टीलिंग आखिरी मैच है, प्लेयर्स एक पॉइंट दिला के क्या उससे पहले वाला मैच है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अपने दम को मैच जिताया हुआ है, तो पॉल स्टीलिंग को लूंगा जो कि आयरलैंड की टीम का सबसे ज्यादा अच्छे बल्लेबाजों में से एक आपको गिनती देखो मिलता है और हमेशा ही आयरलैंड की टीम का सबसे मेन बल्लेबाज है, तो लेकर के चलने वाला हूँ बल्लेबाज में ओपनिंग करने वाली है वाला है। एच ट्रैक्टर की बात कर आखिरी मैच हमने अपनी टीम में भी लिया, वहाँ पे परफॉर्मेंस भी करके क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम इसको जल्दी ही पवेलियन पे भेज देगी। जी डॉकरेल की बात करो बल्लेबाज में काफ़ी नीचे आएगा, तो इसको लेकर के चलूंगा नहीं। ए पवेलियन का आखिरी के मैचेस में कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है नहीं, एक मैच अगर आप निकाल दो जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला हुआ था, बच्चे हुए सभी मैचेस में फ्लॉप जा रहा है। बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, पहला विकेट जल्दी भी गिर जाएगा क्योंकि आयरलैंड की टीम काफ़ी कमजोर नजर आ रही है, तो मैं इसको लेकर के चलूंगा नहीं। विकेट कीपिंग सेक्शन आपको एल तकर को अपनी 2 से 4 ग्रैंड लीग टीम में लेकर के चलना होगा, यहाँ से एच ट्रैक्टर को आप लेकर के चल सकते हो, पॉल स्टीलिंग को निकाल करके, उसके डेविड मलान को निकाल करके आप चाहो तो लिविंग स्टोन को लेकर के चल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकता है तो। उसके बाद यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नजर आ नहीं रहा क्योंकि मोइन अली बल्लेबाज में काफ़ी नीचे नजर आएगा, 5वें नंबर करीब, यही रीज़न है कि इसको लेकर के चलूंगा नहीं। बॉलिंग ऑप्शन है एम अधेर और जे लिटिल, इन दोनों में से आपको किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको लेकर के चल सकते हो। मैं यहाँ से जे लिटिल को ले रहा हूँ जिसको आखिरी मैच में भी 4 ओवर बॉलिंग पूरा मिला है, इस समय के आयरलैंड की टीम का सबसे मेन बॉलर है। आखिरी मैच आपने देखा एम अधेर ने सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग किया, लेकिन वहाँ पर भी जे लिटिल ने 4 ओवर बॉलिंग पूरा किया। रीज़न ये कि एम अधेर अब जो है पूरी तरीके से बॉलर बन गया है, लेकिन पहले जो इसका नाम था ऑलराउंडर्स में नाम था, यानी कि पहले उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया, पहले बॉलिंग काफी, लेकिन पहले बल्लेबाजी पे भी फोकस रखता था, लेकिन इस समय जो बल्लेबाजी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बॉलर ही खेल रहा है। आप इसको अपनी मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम में यूज करके चल लेना। उसके बाद बात करें अपने केवीसी के बारे में जो कि स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है, उससे पहले देखो
मैं अपने पूरे पैसे जो इस मैच के था स्पोतेसी 11 चैलेंजर्स पे लगा रहा हूँ। स्पोतेसी ऐप के ऊपर आप पॉप भी खेल सकते हो। पॉप यानी कि वहाँ पे एक प्लेयर को चूज करना है, 5 प्लेयर दिए होंगे उनमें से। और कुबेरा पे भी सेम यही फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। कुबेरा और स्पोतेसी के पॉप दोनों ही जगह आप ईजिली एक प्लेयर को चूज करके काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। आखिरी मैच हमने जोश बदला के दम पे भी काफ़ी पैसे कमाए, सैम करन के दम पे भी काफ़ी पैसे कमाए, बॉलिंग ऑप्शन है मार्क वुड के दम पे भी काफ़ी पैसे कमाए, यानी कि 3 पॉप ऑप्शन है, 3 कुबेरा के दियो पिक में तीनों जगह विनिंग कमाया हुआ है। चाहे तो आप हमें टेलीग्राम सर्कल पर देख सकते हो। उसके अलावा बात करें मैं यहाँ पे क्यों पैसे लगा रहा हूँ, स्पोतेसी और 11 चैलेंजेस दोनों ही ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा लो एंट्री फीस देखो मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे कहने पर से आपने 1,000 रुपये लगाओ, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे, सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रुपये। 10,000 रुपये लगाओगे तो बिना हारी आपके 1,000 रुपये बचा लोगे, सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रुपये। उसके भी ऊपर से आपको 4 से 15% बीच बोनस के भी पैसे को यूज़ करने मिलेगा। 11 चैलेंजेस और स्पोतेसी दोनों ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब भी कभी वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मैं भी इस मैच के अपने पूरे पैसे जो है स्पोतेसी और 11 चैलेंजेस भी लगाने वाला हूँ। मैं अभी तुम्हें कैप यहाँ से जोश बदला के साथ अभी से यहाँ से मार्क वुड के साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके एलेक्स हेल्स और यहाँ से सैम करन, ये दोनों प्लेयर्स एज अ कैप इसी आप मिनी जीएल और मेगा जीएल के लिए एक अच्छे चॉइस रह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।